नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका केपीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। आइए चलते हैं इस वक्त की एक खास खबर। बुलंदशहर से बड़ी खबर है कि रिश्तेदारों के घर आई बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। परिजनों ने दरिंदे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पड़ोसी युवक ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बुलंदशहर से ये भयावह खबर है। बच्ची को बहला फुसलाकर कमरे में ले गया दरिंदा, जहां पर उसके साथ रेप किया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया है। बुलंदशहर की स्याना कोतवाली पुलिस ने इस पर FIR दर्ज की है। क्या नाम है भाई साहब आपका? संजीव कुमार। हैं आप थाने पर आए हैं, क्या मामला है पूरा, किस बात को लेकर आए? साहब मैंने अपनी साली की लड़की बुला रखी है अपने बच्चों के लिए यहाँ पर, और हम न्यार लेने के लिए गए। न्यार मेरी घर वाली, तो मेरी बड़ी वाली भाई बोलने लगी मेरा गद्दा रखा वहाँ पर, तुम उसे ले आओ प्रधान जी के यहाँ से। मैं उधर गया तो भतीजा भेज दिया मैंने दूसरी साइड में। मैं कभी लौड़ा रो रहा हो, मैं घर को आ रहा हूँ निकल के, तो मैंने देखा तो मुनिस का लड़का बादल, विकास और बादल, तो ये इसने नाड़ा तोड़ रखा और मेरी साली की लड़की के ऊपर पड़ा। मैंने इसमें ये पकड़ कर कमरे में बंद कर दिया। ये दोनों भैया गए, लड़के का बाप मुनित और मुखबिर, ताला तोड़ कर उस लड़के को निकाल लाए आगे थाने आ गए। उसके बाद मैं अपने परिवार को देख आया तो मुझको थाने के सामने हाथ छोड़ा। तो आपने थाने में तहरीर दी है इनके खिलाफ, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने कार्रवाई करी है, FIR दर्ज कर दी। ठीक है।